क्रिकेट मैदान पर सीन पलटते देर नहीं लगती, लेकिन ऐसे ही कुछ जिंदगी क्रिकेटर्स की भी है जिनके जीवन में कब नया मोड़ आ जाए ये कोई सोच भी नहीं सकता। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल तेज गेंदबाज और स्विंग की दमखम से बल्लेबाजों को चकमा देने वाले गेंदबाज की जिंदगी और करियर दोनों पर दांव लग चुका है, जिसके सामने टिकने के लिए बल्लेबाजों को जद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन वही आज संकटों से घिर चुका है। दरअसल आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड के क्रिकेटर एंड्रयू हेज़लडाइन की, जो सिर्फ 26 साल की उम्र में कैंसर से पीड़ित हो गए हैं। बता दें कि एंड्रयू हेज़लडाइन कैंटरबरी के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हिस्सा लेते हैं। सितंबर की बात है जब उन्हें इस बारे में जानकारी लगी, उन्हें कैंसर है। इसके बाद से ही एंड्रयू का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, लेकिन इस समय गेंदबाज की जिंदगी तो मुसीबतों से घिरी है, साथ ही उनका करियर भी बर्बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक गेंदबाज हेज़लडाइन को हॉजकिन लिम्फोमा है। एक्सपर्ट का मानना है कि जो इस तरह के कैंसर से ग्रस्त होता है उसके इम्यून सिस्टम के सेल्स पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद कैंसर का फैलाव जितनी तेजी से शरीर में होता है, इन्फेक्शन से मुकाबला करने की शक्ति उतनी तेजी से कम होती जाती है। यही नहीं, ऐसे कैंसर में बुखार आना, रात में पसीना आना और वजन तेजी से कम होना जैसी समस्याएं होने लगती है। कहा जाता है कि इस बीमारी का इलाज कीमोथेरेपी या फिर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से ही संभव हो पाता है, लेकिन खबरों की माने तो काफ़ी जल्दी हेज़लडाइन के कैंसर का खुलासा हो गया है। ऐसे में उनके स्वस्थ होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गई है। फिलहाल अचानक से हेज़लडाइन के कैंसर से पीड़ित होने के बारे में कैंटरबरी क्रिकेट टीम को जब से पता चला है तब से वो सभी दुख जता रहे हैं। इस बारे में कैंटरबरी के क्रिकेट हाई प्रोफेशनल मैनेजर मार्टी राय ने बात करते हुए कहा कि ये हेज़लडाइन के लिए बहुत समस्या वाला दौर है, लेकिन कैंटरबरी टीम उनके इस दिक्कत भरे वक्त में उनके और हेज़लडाइन के परिवार के साथ है। यही नहीं, कैंटरबरी क्रिकेट टीम ने ये भी वादा किया है कि वो हेज़लडाइन के इलाज में भी अपना सहयोग देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एंड्रयू हेज़लडाइन बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। इस समय वो कैंटरबरी के लिए 14 फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं। वहीं साल 2018 की बात है जब कैंटरबरी में अपना करियर स्टार्ट करने के बाद एंड्रयूज ने 14 मैचों में 35 विकेट झटके थे। फिलहाल ऐसी कई इतिहास है जो उनके नाम दर्ज है, लेकिन इस समय वो अपनी जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रहे हैं। LD News Room रिपोर्ट।